आज तारीख हो चुकी है 8 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली की तरफ से। दरअसल विराट कोहली अपने पर्सनल रीजन के चलते हुए यहाँ पर पहले और दूसरे टेस्ट मुकाबले से यहाँ पर बाहर हुए थे, और अब यहाँ पर खबरों के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुका है कि विराट कोहली तीसरे और चौथे टेस्ट मुकाबले में भी अवेलेबल नहीं होंगे। इन्होंने बीसीसीआई से यहाँ पर 2 टेस्ट मुकाबलों से छुट्टी यहाँ पर मांग ली और बीसीसीआई ने शायद अप्रूव भी कर दिया। तो बीसीसीआई अब जो यहाँ पर तीसरे चौथे पांचवें टेस्ट मुकाबले का स्क्वाड अनाउंस करेगा, वहां पर तीसरे और चौथे टेस्ट में यहाँ पर विराट कोहली का नाम नहीं होगा। हालांकि पांचवें और आखिरी टेस्ट मुकाबले में मोस्ट लाइकली विराट कोहली हमें खेलते हुए देखेंगे, लेकिन इस होम सीरीज में यहाँ पर तीसरा और चौथा मुकाबला भी विराट कोहली मिस करने वाले। तो ये एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर रही है जो कि सबसे पहले हमने क्लियर की है। वैसे यहाँ पर तीसरे चौथे पांचवें टेस्ट स्क्वाड हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीटली पोस्ट कर देंगे, तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर, आप कमेंट करके बताइए आप विराट कोहली को आखिर इस सीरीज में मिस कर रहे हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कराती होती है चेन्नई कप्तान एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल एमएस धोनी कल यहाँ पर आईपीएल की तैयारियां यहाँ पर कर रहे थे, नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे, और एमएस धोनी यहाँ पर 2007 की तरह लंबे बालों में नजर आ रहे थे, और 2011 के वर्ल्ड कप का इन्होंने हेलमेट पहन रखा था। तो कुल मिलाकर एमएस धोनी को देख कर वही पुराने एमएस धोनी यहाँ पर लोगों को याद आ गए थे। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर काफी अधिक वायरल हो रही है, जहां पर 2011 का वर्ल्ड कप का हेलमेट और 2006-2007 वाला इनका यहाँ पर लुक नजर आया था। तो लंबे बालों में एमएस धोनी अपने करियर के शुरुआती यहाँ पर समय वाले यहाँ पर लग रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आप एमएस धोनी को लंबे बालों में आखिर देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के यहाँ पर हेड कोच रिकी पोंटिंग ने कन्फर्म कर दिया कि ऋषभ पंत आईपीएल 2024 के एडिशन में हमें खेलते हुए तो दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल प्लेयर के तौर पर ये खेलेंगे, ना ही कप्तानी ये करेंगे, ना ही विकेट कीपिंग ये कर पाएंगे। दरअसल विकेट कीपिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, तो केवल प्लेयर के तौर पर स्पेशल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर केवल ऋषभ पंत हमें खेलते हुए दिखेंगे। शायद फील्ड पर भी ये ज्यादा नजर ना आए, केवल यहाँ पर बल्लेबाजी ये करते हुए दिखे। इसके साथ ही यहाँ से एक और चीज कंफर्म हो चुकी है कि डेविड वॉर्नर हमें यहाँ पर कप्तानी करते हुए दिखेंगे, और डेविड वॉर्नर के पास अच्छी खासी विकेट कीपिंग स्किल है, तो डेविड वॉर्नर शायद दिल्ली कैपिटल्स के लिए विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो एक और सीजन अब वॉर्नर इस टीम की कप्तानी करेंगे, पंत खेलेंगे लेकिन केवल प्लेयर के तौर पर ये खेलते हुए दिखेंगे। और ये खबर कल ही हमने टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट कर दी थी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। जो खबरें आपको यहाँ पर मिल रही है वो एक दिन पहले ही वहाँ पर मिल जाती है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात की टीम यहाँ पर सेकंड ट्रेड विंडो में करंटली रोहित शर्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। खुद यहाँ पर रोहित शर्मा के मैनेजर ने ये कन्फर्म्ड किया, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात रोहित शर्मा को कप्तानी तक ऑफर कर रही है। अगर रोहित शर्मा ट्रेड होकर इन टीमों में आ जाते हैं तो यहाँ पर रोहित शर्मा को इंस्टेंट यहाँ पर कप्तानी भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा मुंबई को अपनी लॉयल्टी को यहाँ पर नहीं छोड़ रहे, जहाँ पर 2025 तक का उनका मुंबई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये आईपीएल वो मुंबई के साथ खेलेंगे, 2025 में उनका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, तो मुंबई को छोड़कर मेगा ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से नई टीम में जाएंगे। और हालांकि अगर उससे पहले अगर सेकेंड ट्रेड में रोहित शर्मा अगर मुंबई को छोड़ते या फिर कुछ भी फैसला आएगा तो हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है जसप्रीत बुमराह की तरफ से। दरअसल जसप्रीत बुमराह यहाँ पर अब टेस्ट क्रिकेट के नंबर वन यहाँ पर रैंकिंग वाले गेंदबाज बन चुके। कल इन्होंने ये कीर्तिमान सेट कर दिया और पहले इंडियन गेंदबाज बने जो कि तीनों फॉर्मेट में नंबर वन की जिन्होंने यहाँ पर सफलता प्राप्त करी, नंबर वन रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में जो रहे वो पहले भारत के गेंदबाज बने। इसके साथ ही बुमराह ने कल अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगी थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पर इन्होंने ये बताया था कि जब टफ टाइम होता है तो कितने कम लोग इनको सपोर्ट करते और यहाँ पर इनको बधाई देने कितने अधिक लोग आ जाते, ये इन्होंने बताया। काफ़ी अधिक इनकी यहाँ पर इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है हैदराबाद की तरफ से। दरअसल हैदराबाद की टीम पैट कमिंस को कप्तान बनाने को देख रही, लेकिन इस टीम के लिए चिंताएं बढ़ चुकी है, जहाँ पर इस टीम के यहाँ पर पूर्व कप्तान या फिर करंटली यहाँ पर इस टीम के जो पिछले सीजन कप्तान एडन मार्करम थे उनका S20 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। पिछले साल S20 में यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप को इन्होंने विनर बना दिया था, और इस साल यहाँ पर एक बार फिर से इन्होंने फाइनल में यहाँ पर टीम को क्वालिफाई करा दिया। काफ़ी अच्छी कप्तानी, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करके सनराइजर्स ईस्टर्न केप
स्मिथ को इन्होंने फाइनल में क्वालिफाई करा दिया। तो एडन मार्करम एक तरफ कप्तान के तौर पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे, तो यहाँ पर हैदराबाद के लिए इनको कप्तानी से हटाना और पैट कमिंस को कप्तान बनाना काफी मुश्किल एक डिसीजन होगा। काफी सोच समझ कर ये डिसीजन लेना होगा। जिस प्रकार से मुंबई ने रोहित को हटाया उसी प्रकार से मार्करम को हटाना यहाँ पर हैदराबाद के लिए रहेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या मार्करम और पैट कमिंस में से आपके अकॉर्डिंग किसे आखिर यहाँ पर हैदराबाद का कप्तान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल यहाँ पर कुछ लोग ये सोशल मीडिया पर बता रहे कि आरसीबी की वजह से ही मुंबई में यहाँ पर ये लड़ाई हो रही है रोहित शर्मा और एमआई के मैनेजमेंट एमआई के ओनर्स के बीच, इसीलिए लड़ाई हो रही है। जहाँ पर आरसीबी की टीम ने कैमरॉन ग्रीन को ट्रेड किया था, इसी वजह से मुंबई ने हार्दिक पंड्या को ट्रेड किया था। अगर यहाँ पर आरसीबी कैमरॉन ग्रीन को ट्रेड यहाँ पर नहीं करती तो मुंबई में हार्दिक पंड्या किसी भी कोस्ट पर नहीं आ पाते। मुंबई के पास कोई भी पर्स यहाँ पर नहीं था, तो हार्दिक पंड्या गुजरात में ही रहते और मुंबई में कुछ भी समस्या नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ लोग आरसीबी पर एलिगेशन लगा रहे कि आरसीबी की टीम ने जानबूझ कर कैमरॉन ग्रीन को ट्रेड किया ताकि मुंबई में ये फोट हो जाए। मुंबई में जो यहाँ पर ये काफी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, आईपीएल की सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी, सबसे सक्सेसफुल ये फ्रेंचाइजी, ये यहाँ पर टोटली टूट जाए तो आरसीबी को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरसीबी ने जानबूझ कर डिसीजन लिया या फिर नहीं। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है हार्दिक पांड्या की तरफ। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर फोटोज और वीडियोज देख पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने अब नेट्स में यहाँ पर गेंदबाजी भी शुरू कर दी। पहले इन्होंने जिम में वर्कआउट शुरू किया था, फिर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी, अब गेंदबाजी की भी ये प्रैक्टिस शुरू कर चुके। तो हार्दिक पांड्या आईपीएल के लिए अब 99% फिट हो चुके, गेंदबाजी भी अब यहाँ पर ये करते हुए दिखे। तो आईपीएल में शायद पहले मुकाबले से गेंदबाजी और बल्लेबाजी और फील्डिंग सब कुछ ही हमें प्रॉपरली करते हुए दिखे। तो हार्दिक पांड्या को लेकर यहाँ पर मुंबई के फैंस करेंटली खुश होंगे। आप कमेंट करके बताइए आप हार्दिक पांड्या को मुंबई में कप्तानी करते हुए देखने के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।